तो सो आज हम बात करने वाले हैं पबजी लाइट के बारे में, जो आप अपने किसी भी पीसी में बड़ी आसानी से चला सकते हो। तो इसको डाउनलोड करने का सारा जो सही तरीका है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको ये इंडिया में चलानी है, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ थाईलैंड वालों के लिए बनी है, लेकिन इंडिया में किस तरीके से आप इसे चला सकते हो उसका मैं आपको बताने वाला हूँ सोल्यूशन। और आपको दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कहा हो कि भाई वो आपको कर लो वीपीएन से कर लो तो इस तरीके से आप चला लोगे, लेकिन मैं कुछ अलग तरीका आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप उस गेम को वीपीएन से डाउनलोड करते हो तो आपको वो 3-4 घंटे ले लेगी डाउनलोड करने में, क्योंकि वीपीएन थाईलैंड का बहुत ज़्यादा स्लो चलेगा, सर्वर जो उनका है वो ज़्यादा स्लो चलेगा। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको बहुत फास्ट इसको डाउनलोड करनी है और फास्ट इसको चलानी है। देखो इसको आपको डाउनलोड करने के लिए 2 सॉफ्टवेयर की जरूरत है, दोनों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। पहले जो सॉफ्टवेयर वो है गैरिना का, सेकंड सॉफ्टवेयर है सॉफ्ट इथर। देखो इस गैरिना के सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर जो है इसकी वेबसाइट पर जाके आपको एक इसका अकाउंट बना लेना, न्यू अकाउंट बना लेना, क्योंकि दोस्तों जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आपको जो है इसमें अपना अकाउंट जो है लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों मैंने अंसारी टेक के नाम का जो है इसमें अकाउंट लॉगिन कर रखा है। दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो यहाँ पर जो आपको बहुत सारी गेम्स दिखेंगी वहाँ पर आप जो इसको डाउनलोड इसके अंदर से ही डाउनलोड करके गेम जो है इसमें खेल सकते हो। बेसिकली दोस्तों ये आप सोच सकते हो कि एक तरीके का इमुलेटर है जो पीसी की गेम्स को चलाता है और अपने अंदर ही डाउनलोड करवा लेता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ता है, यहाँ पर इसके सेटिंग्स में जाना पड़ता है आपको। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज से नीचे एक ऑप्शन दिखेगा रीजन का, यहाँ पर आपको थाईलैंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो जब आप यहाँ पर थाईलैंड सेलेक्ट कर दोगे तो थाईलैंड में जो भी गेम्स होंगी पीसी की वो यहाँ पर आपके होम स्क्रीन पे आ जाएंगी। दोस्तों जैसे हम यहाँ पर सेव करेंगे तो थाईलैंड वाली जो भी गेम्स होगी वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सामने जो है पबजी पीसी लाइट यहाँ पर शो कर रही है, क्योंकि मैं दोस्तों मैंने थाईलैंड का सर्वर लगाया। दोस्तों जैसे आप इस एप्लीकेशन पे इस गेम पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको प्ले का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर आपको आएगा डाउनलोड का ऑप्शन, और यहाँ पर आपको कोई भी वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ने वाली डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर आपको सिंपली डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोडिंग की जो फाइल है वो 2 GB की होगी। 2 GB यहाँ पर आपने किसी भी अपने नेट से जो है इस फाइल को डाउनलोड कर लेना। फाइल को डाउनलोड करने के बाद जो है यहाँ पर आपको सीधा प्ले का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन आपकी प्ले नहीं होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ थाईलैंड वालों के लिए, लेकिन इंडिया के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जुगाड़ है सॉफ्ट ईथर का। इस एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट दिखता है वीपीएन गेट पब्लिक का, इस पर डबल टैप करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्वर दिख जाएंगे। जैसे कि आपको बताया कि हमें थाईलैंड का सर्वर लगाना है तो यहाँ पर आपको सिंपली रीजन पे क्लिक करना है और आपके सामने जो है बहुत सारे यहाँ पर जो है थाईलैंड के सर्वर आ जाएंगे। किसी भी थाईलैंड सर्वर पे आपको क्लिक करना है और कनेक्ट टू वीपीएन सर्वर पे आपको क्लिक करके अपना जो है सर्वर बदल लेना, यानी अपना इंडिया की आइडेंटिटी को हटा के अपनी थाईलैंड की आइडेंटिटी को यहाँ पर लगाना। देखो इस तरीके से जब आप कर लोगे आपका जो है ये बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको एक बार कट करता हूँ क्योंकि ये स्टार्ट नहीं होगा डायरेक्टली, तो मैं इसको कट करके दोबारा से चलाता हूँ। देखो यहाँ पर जब मैं इसको दोबारा से ओपन करूंगा तो अब मैं जो है इसे बिल्कुल आसानी से इजीली रन कर सकता हूं अपनी गेम को। और एक बात और बता दूं, यहां पर देखो मुझे पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जैसे कि मैंने आपको बताया। देखो भाई इस तरीके से जो है आप अपनी गेम जो है चला सकते हो अपने पीसी के अंदर पबजी लाइट। सो प्ले पर क्लिक कर सकते, ये जो गेम है मेरी स्टार्ट हो जाएगी और बिना किसी रुकावट के मैं इसे अपने इंडिया के अंदर चला सकता हूँ। और फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी रुकावट आ जाती है, आपको लगता है कि भाई ये फिर भी नहीं चल रही, कोई ना कोई रीज़न है एक्सवाइजेड कोई भी रीज़न आ जाता है, तो आप क्या करना अपना जो अपना पीसी का टाइम है ना उसके टाइम जोन को चेंज करके GMT+7 कर देना, बैंकॉक का टाइम। बैंकॉक का टाइम आपको सेट करना है, ये बात ध्यान रखना। बैंकॉक के टाइम पे आप सेट कर देना तो आपकी जो गेम है बिल्कुल ही फिर तो 100% चांसेस हो जाएंगे कि 100% आपकी गेम विदाउट एनी सर्वर इश्यू के चल जाएगी। देखो क्योंकि थाईलैंड का सर्वर हमने लगा दिया है, सब कुछ हमने कर दिया है और इस गेम को हमने स्टार्ट भी कर दिया, और आपके सामने देखो ये गेम चल रही है, मैं भी इंडिया में ही हूँ आपको पता है जैसे कि, और ये जो गेम है दोस्तों हमने बड़ी ईजिली चला ली। और अगर हमने दोस्तों इस गेम को स्टार्टिंग से अगर अलग तरीके से अगर हम डाउनलोड करते हैं इसे पबजी का पहले सेटअप करते हैं उससे इंस्टॉल करते हैं तो ये शायद गेम जो है मैं इसे नहीं चला पाता, क्योंकि मेरी डाउनलोड ही नहीं हो पाती क्योंकि इतना स्लो चलता है उसका नेट। तो इस तरीके से जो है आपको ये डाउनलोड करनी है और अपने पीसी में चलानी है। एक इसका कौन ये भी है कि दोस्तों यहाँ पर अपने फ्रेंड को आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, मैंने भेज के दिखा था लेकिन वहाँ पर जो है कोई ऑप्शन नहीं आया, मतलब पता नहीं क्या था। तो आप अपना एक बार पीसी में खुद देख लेना, मैं इसकी बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ कि किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से यहाँ पर आपको मिल रही है। लेकिन क्वालिटी के मामले में अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी है, यानी फुल HD ग्राफिक्स से यार मज़ा आ जाता है खेलने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दोस्तों आपके पीसी के हिसाब से यहाँ पर अपने जो ग्राफिक्स आप सेट कर सकते हो, आप अपने पीसी के हिसाब से अल्ट्रा हाई मीडियम पे जो है यहाँ पर अपने ग्राफिक्स आप सेट करके जो है इस गेम को खेल सकते हो। दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेक श्योर। और फिर दोस्तों अगर आपको कोई भी सुझाव है या फिर कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है कि भाई हमारे पीसी में नहीं चली, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, मैं उसका जो सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। दोस्तों तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।